आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार।
उठता था, उठता था, चारा डालता था बैलों को, फिर गाड़ी में धुराता था, हल बक्कर और तिरफन गाड़ी के ऊपर रखता था, खेत में रोज जाता था। एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, तीन साल, एक साल, दो साल, तीन साल, निरंतर गया हूं और निरंतर खेत में जाते रहा। मैं ये अभ्यास करने वाला विषय खिलाड़ियों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। जब चौथा साल लगा तो उस गंगाराम के खेत के ऊपर से बादल का एक टुकड़ा गुजरा और बादल के टुकड़े ने महेंद्र भाई गंगाराम से पूछा, माननीय सांसद जी गंगाराम से पूछा कि गंगाराम भाई, मैं तुझे रोज खेत में काम करते हुए देख रहा हूं, तुझे यह नहीं पता है कि धरती पर मैं एक भी बूंद पानी नहीं गिराने वाला हूं? तो गंगाराम ने कहा कि बादल भाई, मुझे अच्छे से पता है कि तुम धरती पे 15 साल तक बरसने वाले नहीं हो, लेकिन मैं तो खेत में इसलिए आता कि कहीं मेरे बेल उजाड़े नहीं सीख जाए, कहीं मैं हल चलाना नहीं भूल जाऊं। ये कहने लगे कि 15 साल तक इस धरती पर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, बताइए, नदियां तालाब सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे, सूखेंगे कि नहीं, हैंडपंप सूख जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे, बावड़ियां सूख जाएगी। सारे लोगों ने कहा कि अब खेतों में काम, यहाँ किसान लोग भी है बहुत सारे, सारे लोगों ने कहा खेतों में अब काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि 15 साल तक बारिश होने वाली नहीं है। अगर ये बोल दिया जाए कि अगले 15 सालों तक कोई परीक्षा नहीं होगी तो कोई पढ़ेगा क्या, और अगर ये बोल दिया जाए कि अगले 10-20 सालों तक चुनाव नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अभियान चलाएगा क्या, बताइए, नहीं चलाएगा ना। तो लगातार जब ऐसा करने लगे तो सारे लोग अपने घर बैठ गए, लेकिन एक गंगाराम नाम का किसान था, खेलना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने भी बरसना शुरू कर दिया। जब गंगाराम के अभ्यास ने प्रकृति को झुका दिया तो ये नीचे बैठे हुए बेटे और बेटियां अपने अभ्यास से दुनिया में अपना नाम भारत का रोशन नहीं कर सकते क्या, बताइए। खाने के जब वितरित हो रहा है, आप लोग संयोजक जो वहां पर पहुंचेंगे और बाकी की भीड़ आप लोग हटा ले वहां से। दुर्गेश खिची जी, दुर्गेश सर, खेल महोत्सव देवास में है, कैसा आपका महसूस हुआ और क्या बोल? देखिए, हमारे देश की यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में माननीय सांसदों के द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर मैं आज देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी के संसदीय क्षेत्र में आया और यहाँ पर सांसद युवा खेल महोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन देखकर मन अभिभूत हुआ। निश्चित रूप से 8 प्रकार के खेलों का आयोजन पूरे संसदीय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गांवों में जो हुआ है और इसमें हजारों खिलाड़ी युवा भाई और बहनों ने और साथ में हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से ये देश के युवाओं के भविष्य के लिए और देश के लिए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की भावी पीढ़ी, देश के युवा अगर खेल मैदान में खेलेंगे और अपने शरीर को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर एक अच्छा भविष्य हम देशवासियों को प्राप्त होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि युवाओं को खेल के मैदान में समय बिताना चाहिए और अन्य वरिष्ठ लोगों को भी खेल के मैदान में समय बिताना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे माननीय लोकसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भाई सोलंकी ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन में मुझे सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में हिस्सेदारी करने का अवसर मिला, लेकिन इस पूरे अवसर के दौरान मुझे देवास साजापुर क्षेत्र की जनता का अभूतपूर्व प्रेम प्राप्त हुआ। खिलाड़ियों से मिलकर ऐसा लगा जैसे उनके मन में कई गुना उत्साह है और इस उत्साह के लिए, इस खेल आयोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया है, तो माननीय सांसद जी का उत्साह भी जबरदस्त तरीके से इस आयोजन में रहा है। मैं माननीय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी को, उनकी पूरी टीम को और देवास संसदीय क्षेत्र के साजापुर सहित सभी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वह भविष्य में इस अभ्यास को निरंतर जारी रखें। थैंक यू।